अस्सलाम वालेकुम। तो आज का मैं ये व्लॉग अपने ब्रेकफास्ट से शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ लस्सी। आज मैं बिल्कुल प्योर ब्रेकफास्ट दिखाऊंगी आपको अपने इस व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं अलमराई की लस्सी बना रही हूँ। ये मैंने अलमराई की लस्सी डाली है इसमें। ये नमकीन है लस्सी, तो मैं मीठी बना रही हूँ। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा दूध, ये भी अलमराई का है, और थोड़ा सा बिल्कुल मिक्स करूँगी। और इसके बाद इसमें शुगर ऐड करूँगी थोड़ी सी। आज वीकेंड था तो मैंने सोचा ज़रा हैवी ब्रेकफास्ट बनाऊँ अपने हस्बैंड के लिए। वीकेंड पे मोस्टली हम थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं शुगर डाल रही हूँ। ये बड़े मज़े की लस्सी बनती है। अक्सर हम रमज़ान में भी यहीं ऐसे ही बनाती हूँ मैं, रमज़ान में भी लस्सी सहरी में। तो अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. पे हो गई है मेरी लस्सी रेडी। अब मैं इसको ग्लास में डालूंगी। मुझे ये बड़े मज़े की लस्सी लगती है ऐसे अगर मैं बनाऊं तो, मीठी वाली। नमकीन भी मैं पी लेती हूँ, ओरिजिनल जो होती है अलमराई की। ये देखिए मेरी लस्सी रेडी हो गई है। और अब यहाँ मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। ये देखिए मटेरियल मैंने रात को ही बना के रख दिया था आलू का, इसलिए इससे बहुत इजी रहता है सुबह आप फ़ौरन से आप पराठा बना लें। पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं रोटी बनाना आती थी, इवन सिंपल रोटी भी नहीं मैं नहीं बना सकती थी। बट अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर चीज़ आती है बनाना। तो ये देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपना आलू का पराठा। देखते हैं कैसा बनता है। Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and feel a feeling that nothing got it feel like a sweet night. Hey, come on, closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry. तो जी देखिए यहाँ पे मेरा पराठा तकरीबन बन ही चुका है। तो मैंने इसको प्लेट में डाल दिया। ये देखिए सी माय पराठा। और यहाँ पे मैं अब अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मेरी बेटी बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट करती है। इवन उसको जब उठती है तो उसको भूख नहीं लग रही होती और मैंने ज़बरदस्ती उसको दे रही होती हूँ ब्रेकफास्ट। यहाँ मैं उसकी प्लेट पे जैम लगा रही हूँ हल्की सी। पता नहीं बच्चों को क्यों ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, मैं तो अपने बच्चों के पीछे भाग भाग के खिलाती हूँ उन्हें। ये देखें यहाँ पे मेरे बेटी की ब्रेड पे जैम लग चुकी है। और मैं अब उसको इसके साथ दूंगी दूध फ्लेवर्ड मिल्क है या चॉकलेट फ्लेवर्ड मिल्क है। उसके बाद जी ये देखें मेरा प्योर देसी नाश्ता, आलू का पराठा है और साथ ही अचार है और ये लस्सी। मैं पराठा भी इंजॉय कर रही हूँ और साथ साथ टीवी भी देख रही हूँ, सोच रही हूँ कौन सी मूवी देखूँ। और यहाँ पे देख रही हूँ मैं
आज वीकेंड है तो वीकेंड पे तो यही होता है, मूवी देख लेते हैं हम हस्बैंड वाइफ, या कहीं आउटिंग पे चले जाते हैं। तो ये देखिए मैं देख रही हूँ कि आज मैं कौन सी मूवी देखूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मैं हस्बैंड से पूछ रही थी आप मुझे बताएं कौन सी देखूँ मैं मूवी। इसके बाद जाना है हमने जी बाहर। तो ये हम शाम को गए थे बाहर, थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, तो ये हम गए लोलू हाइपर मार्केट है रियाज में, तो वहाँ पे हम गए। मुझे यहाँ के ब्राउनीज़ और कपकेक्स और ये पेस्ट्रीज़ बहुत पसंद है, मुझे डोनट्स भी बहुत पसंद है यहाँ के। ये देखिए कितने यमी यमी डोनट्स पड़े हुए हैं, और ये यहाँ के सऊदी बिस्किट्स हैं, ये देखें चॉकलेट चिप हैं और दूसरे बिस्किट्स हैं, ये देख रहे हैं आप। और ये सऊदी स्वीट्स हैं, ये कुनाफा पड़ा हुआ है, अरेबिक डिशेस हैं ये, स्वीट्स हैं, ये देखें। ये मैंने अपनी बेटी का मिल्क वगैरह लेना था, तो मैं मिल्क वाले सेक्शन में आई हुई थी, मेरी बेटी फ्लेवर्ड मिल्क पीती है अक्सर, तो मैं सेलेक्ट कर रही थी कौन कौन से मैं लूँ। यहाँ पे हर फ्लेवर्ड के मिल्क हैं, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट वनीला, और ये है पेप्सी का सेक्शन, माय मोस्ट फेवरेट सेक्शन, ड्रिंक के बगैर तो मुझे खाना भी नहीं हजम होता। ये हैं जूसेस, डिफरेंट जूसेस हैं, और ये हैं वाटर, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन है चॉकलेट्स का, यहाँ पे तो वैरायटी है चॉकलेट्स की। ये देखिए आप देख रही हैं कितनी सारी चॉकलेट्स हैं यहाँ पे, सो यमी। ग्रोसरी करने के बाद मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी बाहर, उन्हें मैंने कहा कि मैंने चिप्स खाने हैं, पोटैटो फ्राइज़ खाने हैं, तो मेरे लिए लेके आए, तो मैं वेट कर रही हूँ, वो मेरे लिए लेने गए हैं। ये देखें रश की वजह से मैंने वीडियो बहुत ही कम बनाई थी, वीकेंड था तो मोस्टली रश ही होता है इन जगहों पे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड का वेट। ये है मेरी ग्रोसरी आज की, जो मैंने ग्रोसरी की थी आज। हम अक्सर इसी लूलू पे ही आते हैं ग्रोसरी करने, क्योंकि मुझे अक्सर कभी स्पाइसेस बाय करने होते हैं नेशनल वगैरह के, तो मुझे यहीं से ही मिल जाते हैं इजीली। इसका एक ये भी बेनिफिट मुझे लगता है, अगर कभी आपने कोई कपड़े वगैरह परचेज़ करने हो, तो इसके ऊपर कपड़ों की मार्केट भी है, तो इसलिए भी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो देखें लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, फाइनली मेरे पटैटो चिप्स आ गए जो मुझे बहुत पसंद हैं, इन्हीं का वेट कर रही थी मैं ठहर के। चलिए मैं अपने पटैटो फ्राइज़ एंजॉय करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।